न्यूज नाटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। यूपी के झांसी में कोरोना वायरस का पहला मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मोट नगर पंचायत के चेयरमैन अनिरुद्ध कुमार यादव सक्रिय हुए और नगर की विभिन्न गली और कूचों को सैनिटाइज कराने स्वयं निकल पड़े और नगर की विभिन्न गलियों और चौराहों पर स्वयं जाकर सैनिटाइज कर रहे नगर पंचायत के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि किसी भी हाल में नगर की कोई भी गली और कोना बचना नहीं चाहिए जो कि सैनिटाइजर ना हो जाए। हर हाल में अपने नगर को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और संक्रमण से बचाना है, जिसके लिए हर हाल में हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जिसको लेकर के हम जगह जगह सैनिटाइज करा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि सब अपने घरों में रहें। आज ये हमारे देश में पूरे लॉकडाउन है, इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में लोगों से अपील की गई है कि आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, घर पर रहें और मास्क पहन के निकलें, दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं हम सभी लोगों से अपील करते हैं, ये नगर पंचायत के द्वारा ये जो है सैनिटाइजर किया जा रहा है सभी नगर को और जिस पूरे वार्डों को, पूरे गलियों में जो भी वार्ड हैं इनको सैनिटाइजर बराबर किया जा रहा है, जिसमें हमारे नगर में कोई संक्रमण पैदा ना हो। इसको देखते हुए हमारे नगर पंचायत के सभी कर्मी, हमारे बादल जी, वो लिपिक जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, अन्य कर्मी बराबर सैनिटाइज कर रहे हैं नगर में। हम इसलिए देख रहे हैं कि हमारे कस्बे में अन्य कर्मी नगर पंचायत के हैं जो सैनिटाइजर बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने देखा स्वयं जाके साथ में, मैं स्वयं निरीक्षण करके मैंने सैनिटाइजर खुद कराया सामने कई मोहल्लों में जाके। इसलिए मैं अन्य कर्मियों को यही कहता हूं कि जब तक लॉकडाउन है हमारे नगर को साफ सुथरा बनाए रखें और संक्रमण से दूर रखें। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे परिस्थितियों में एक दूसरे का सहयोग करते रहें और आप लॉकडाउन का पालन करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे प्रदेश में स्थिति अच्छी रहे और ऐसी कामना करते हैं कि एक दूसरे का ऐसा ही सहयोग करते रहें और पालन करते रहें। घर में हैं तो सुरक्षित हैं, आप एक दूसरे की जान सुरक्षित रख सकते हैं अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। मैं तो यही सभी लोगों से अपील करता हूं।